वेलकम दोस्तों, आज से हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं लारावल। तो लारावल क्या होता है, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसमें सारे ऑपरेशन होते हैं, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि लारावल होता क्या है, उसको यूज़ क्यों करते हैं। तो जो लारावल है वो क्या है, PHP का एक फ्रेमवर्क है। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको एक कोड चाहिए होता है जो कि एक मैनेज तरीके से हो, तो उसके लिए कोई ना कोई आपको फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करता है, एक प्रॉपर आपका राउट्स देता है, आपका कंट्रोलर बना के देता है, मिडलवेयर बना के देता है, पूरी एकदम सेपरेट तरीके से फाइलें बना के देता है वो सारी। तो अब लारावल का जो वर्जन है हम बात करते हैं, अब लारावल 8 आ चुका है, तो हम 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप लारावल 8 स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 7 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, तो हम एकदम इसके ऐसे बताने वाले हैं आपको, तो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब एक और चीज़, लारावल स्टार्ट करने से पहले आपके सिस्टम में जो PHP का वर्जन है वो 7.3 होना चाहिए। जैसे हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सा वर्जन, 7.4 है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके सिस्टम में कंपोजर होना चाहिए, क्योंकि एक कंपोजर भी नीड होती है इसको। तो आप जैसे ही कंपोजर लिखोगे तो ये आपका ऐसे करके आ जाएगा। अगर आपका नहीं है तो आप अपने गूगल करके कंपोजर इंस्टॉल कर दो, आ जाएगा। अगर आप गूगल पे लिखोगे कंपोजर, तो ये लाइनक्स के लिए कुछ कमांड होती हैं, आप इनको यूज़ करोगे आपका कंपोजर इंस्टॉल हो जाएगा। सेम विंडो के लिए आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका कंपोजर। कंपोजर क्या होता है, PHP का ये डिपेंडेंसी मैनेजर होता है, जो जो आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ डिपेंडेंसी चाहिए होती हैं वो सारी कंपोजर प्रोवाइड करता है आपको। अब आते हैं हम इंस्टॉलेशन पे कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला आप ये कर लो, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावल और ये इंस्टॉलर। ये क्या करेगा, आपका ग्लोबली इस लारावल जो कीवर्ड है इसको इंस्टॉल कर देगा, जिसके बाद आप जैसे लिखोगे ना लारावल और अपने न्यू, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम, तो क्या करेगा वो एक आपका ये डायरेक्टरी बना देगा इस नाम की, ब्लॉग नाम के, उसमें आपके पूरा लारावल इंस्टॉल करके दे देगा। दूसरा तरीका एक ये होता है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और ये सारी चीज़ प्रेफर्ड डिस्क लारावल और यहाँ पे आपके फाइल का नेम। तो आप जो मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हम बना के दिखाते हैं आपको, जहाँ पर बनाना है वहाँ पे आप अपना CMD खोलो, एक सेकेंड हमें बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ बनाने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करो, उसी के CMD खोल के इसको पेस्ट कर दो। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक सेकंड मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लॉग नाम से नहीं बनाना, अभी बना तो नहीं, ब्लॉग नहीं बना। ये मैंने पेस्ट करा, मैंने अपने उसका नेम रख दिया कोड, जैसे इसको एंटर करा अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। ये देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया इसमें। अब धीरे धीरे सारी डिपेंडेंसी जो भी होगी वो सारी अपने इंस्टॉल कर लेगा ये।
तो ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और चलो जब तो ये डाउनलोड होता है हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको रन करने के लिए आपको करना पड़ेगा PHP आर्टिसन सर्व, जो कि आपका ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आप अपना कोड स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बार डाउनलोड हो जाए, ये थोड़ा नेट की स्पीड पर भी थोड़ा फर्क पड़ता है। आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी हो जाएगा। टाइम ले रहा है तो थोड़ा सा, चलो वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस कोड के अंदर जाएंगे जो हमने बनाया है डायरेक्टरी। आप यहाँ पर देखना है कोड करके बन गया है ये रहा। उसके बाद हम लिखते हैं PHP आर्टिसन सर्व। तो आपका ये जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे आपका ये देखो लारावल इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ये देखो ये लारावल प्रोजेक्ट जो है आपका सेटअप हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।